फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कलरफुल कपड़ा अपन पहनते हैं, लेकिन उसको कलरफुल होने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पर 3 दिन का प्रोसेस होता है यार कपड़े को डाई करने के लिए। ये प्रोसेस है, एक मशीन पे कपड़े रोल को चढ़ा दिया गया है और इसको जो है डाई करने में 3 दिन का टाइम लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए, किस तरह से कपड़ा डाई होता है यानी कपड़े को रंगा जाता है। देखिए ये कपड़ा है 140 ग्राम रेयन है, बिल्कुल आपको देखने को मिला है, जिसमें कुर्ती देख लीजिए और अदर मटेरियल जो बनते हैं अपने शर्ट वगैरह ये सब कुछ इसी कॉटन कपड़े के या फिर इन्हीं कपड़ों से बनता है। तो इनको कलर किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो देखिए ये 140 ग्राम रेयन है बिल्कुल, जो कि मार्केट में 140 के नाम से होता है, बाकी रियल में ये 132 से 133 ग्राम रेयन है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। इससे जैसे कुर्तियां बन गई, सूट बन गए, इस तरह के मटेरियल बनते हैं, वहीं पर यहां पर देखने को मिल रहा है आपको एक मलमल का कपड़ा है। ये 100 मलमल है, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। इसको भी रंगा जाएगा, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से इसकी मांडी को बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके बाद में इसको मशीन पर ले जाकर के इसकी डाई करी जाएगी, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जैसा भी कलर चाहिए वो सारा डाई होता है यहां पर। ठीक है, एक कपड़ा हो रहा है यहां पर, ये है कॉटन प्योर 60-60, इसको भी जो है कलर करने के बाद में इस तरह से लग रहा है। ये कॉटन 60-60 है, रिंकल्स देख लीजिए कितने सारे हैं इस पे। ठीक है, तो ये बंडल्स कुछ इस रूप में आते हैं, जो कि बंडल आपको देखने को मिल रहा है, इनके पास में ऑर्डर आता है और फिर इसके बाद में जो है ये डाई पे जाता है। कुछ इस तरह के कपड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे यहां पर, देख लीजिए बंडल पड़े हुए हैं ये सारे, और ये सूखने के बाद में ये कलरफुल कपड़े का रूप ले लेता है यहां पर। चलते हैं मशीन पर, डाइंग मशीन पर, और वहां पर मैं दिखाता हूं किस तरह से काम होता है पूरा इसका। तो कपड़े को जो है इस तरह से लटका करके सुखा दिया जाता है यहां पर, देखिए ग्रे कलर की डाई हुई है यहां पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कलरफुल कपड़ा अपन पहनते हैं, लेकिन उसको कलरफुल होने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पर 3 दिन का प्रोसेस होता है यार कपड़े को डाई करने के लिए। ये प्रोसेस है, एक मशीन पे कपड़े रोल को चढ़ा दिया गया है और इसको जो है डाई करने में 3 दिन का टाइम लगता है, जब जाके ये कलर जो है कलरफुल होता है कपड़ा कोई भी, उसके अंदर से मांडी निकाल करके उसके अंदर कलर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर रेड कलर की डाई चल रही है आपको देखने को मिल रहा है। ये मशीन जो है कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल आपको इस तरह की खाली मशीन मिलेगी, इसके ऊपर जो है रोल चढ़ा दिया जाता है, उधर कपड़े का कॉटन का जो भी कपड़ा है उसको कलर करना है उसको चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद में ये नीचे से इसके थ्रू होते हुए इस पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर पूरे 3 दिन लगते हैं, बहुत ही गजब की चीज़ है ये भी आपको मैं बता दूं कि 3 दिन तक का ये प्रोसेस होने के बाद में ही कपड़े को जो है कलरफुल यानी कि रंग दे दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह का चल रहा है, इसके अंदर जो है कलर डाल दिया गया है वाटर के अंदर में, ये देखिए कलर डाल दिया गया है। ये कॉटन का रोल है जो कि कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, दोनों साइड से ये चलता रहता है यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में जो है रोल वापस इधर आएगा। तो ये 3 दिन तक प्रोसेस चलता है, तब जाके अपना कपड़ा जो है बिल्कुल कलरफुल होता है, कलर नहीं निकलता है। यही प्रोसेस होता है, और जो लोग जल्दी कर देते हैं इसमें से, 3 दिन का प्रोसेस है, जैसे कोई लोग जल्दी बना देते हैं तो वो जो कलर निकालता है ना वो यही प्रोसेस होता है कि जल्दी कपड़ा कलर क्यों छोड़ देता है, इसी वजह से छोड़ देता है। तो ये पूरी मशीनें हैं, लेकिन देख लीजिए अभी मौसम है बारिश का, इसलिए इन्होंने जो है सारी मशीन नहीं चला रखी है, क्योंकि बारिश मौसम में जो है कपड़े को सूखने में टाइम लगता है, कभी भी बारिश आ जाए बिल्कुल अभी तो ये सूख नहीं पाएगा कपड़ा, इस वजह से ये एक एक दो दो रोल ही काम में ले रहे हैं ताकि बारिश के मौसम में खराब नहीं हो ज्यादा और अच्छे से काम हो जाए। तो यहां पर भी जो है रेड कलर का ही काम चल रहा है, यहां पर भी देखिए किस तरह का पूरा रोल है, इसको जो है इस तरह से बना दिया गया है, यहां पर देख लीजिए बिल्कुल आप मशीन पे काम चल रहा है। ये वाला कपड़ा जो है पहले डाई हो गया, फिर वापस से जा रहा है, फिर उधर से आएगा, तो ये 3 दिन तक चलता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद डाई होने के बाद में जो है कपड़े को इस पे लटका दिया जाता है और ये सूखने की जगह है यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का कपड़ा है, इसकी डाई हो चुकी है और इसको सूखने के लिए लटका दिया गया है। इस तरह से अगर धूप अच्छी होती है तो 3 से 4 घंटे के अंदर ये सूख जाता है और एक अच्छा खासा कपड़ा तैयार हो जाता है, जिसका कलर जो है ज़्यादा दिन तक टिकता है, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोसेस है, इसमें अगर जल्दी कर देते तो कपड़ा नहीं टिकता है बिल्कुल। ये इस तरह का देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस तरह की ये फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े की डाई होती है। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस दिखाने की कोशिश करी है मैंने आपको कि किस तरह से कपड़े की डाई होती है। मैं हूँ सांगानेर में, जहाँ पर कपड़े की सबसे ज्यादा डाई यहीं पर होती है। तो ये डाई का प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है ये कपड़ा कलर हो चुका है बिल्कुल, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, ग्रे, ब्लैक, जैसा भी कलर है। इसके बाद में ये कपड़ा जो है प्रिंटिंग के लिए जाता है, जहाँ पे फ्लावर प्रिंटिंग हो गई, बॉर्डर हो गई है और कुछ भी, वो हैंड मेड प्रिंटिंग कहाँ पे बनती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह का ऑर्डर अगर आप देना चाहते हैं कोई भी कपड़े को कलर करने का या फिर ऐसे कलरिंग का कोई भी ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह का काम अगर आपके पास में है तो आप इनको दे सकते हैं। जैसे आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस था। तो इस तरह की और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।